माय चैनल। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं धनबाद से राउरकेला क्यों जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं धनबाद से राउरकेला इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी जो छोटी दीदी है वो यहाँ पर घर बना रही है, इसीलिए आई हूँ। उसका पूजा रखी है और ये देखिए वो अभी पूजा के सामान का खरीदारी कर रही है। तो ही अभी हम लोग आए हुए हैं और देखिए ये अभी पुराना घर में पूजा कर रही है। यहाँ से पूजा करने के बाद अपने भगवान जी को नए घर में लेके जाएगी। तो अभी दीदी और जीजा जी साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं। और देखिए पूजा हो गई है तो दीदी भगवान जी को लेकर नए घर में जा रही है। और नया घर थोड़ा दूरी में है इसीलिए दीदी फोर व्हीलर से जा रही है। और उसके साथ मैं और परी और दीदी की मौसी सास है, वो भी जा रही है। तो देखिए दीदी बैठ गई है, परी भी दीदी के साथ में बैठ गई है, मैं भी बैठ गई हूँ। तो चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं दीदी का नया घर। तो देखिए ये रहा दीदी का नया घर। और इधर एक बड़ा सा रूम है जहाँ अभी खाना बनाने के लिए मिस्त्री सब तैयारी कर रहा है। और इसी में अटैच बाथरूम भी है। देखिए और अभी इसमें कलर होना बाकी है। और ये हॉल है, उसके बाद इधर देखिए किचन है। और किचन में अभी सारी सब्जियां भरा हुआ है। तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से दीदी का किचन है। और अभी इसका काम चल ही रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कलर का काम बाकी है। और ये एक बाथरूम हुआ और इधर एक रूम है जिसमें अभी दीदी और जीजा जी पूजा करवा रहे हैं। और इसी में अटैच पूजा रूम भी है। ये मेरी भाभी है और इधर मुकुंद, परी और वो जो है वो भाभी का बेटा है। और यहाँ ये बाहर का नजारा है दीदी का, सामने ही एक बड़ा सा। और अभी देखिए पंडित जी दीदी और जीजा जी से हवन करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दीदी और जीजा जी फेरा लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होती है उड़ीसा में गृह प्रवेश की पूजा। उसके बाद आरती के बाद दीदी देखिए आरती का थाली लेकर हर जगह आरती कर रही है। तो वो सबसे पहले किचन में आरती करेगी। तो किचन में आरती हो गया है, अब देखिए दीदी बाहर जा रही है। और अभी वो बाहर में आरती कर रही है। तो बाहर में आरती होगी, आप दीदी छत में जा रही है। और छत में अभी
खाना बनेंगे, तो वहीं पर दीदी पहले चूल्हा का पूजा करेगी, उसके बाद खाना बनना शुरू होगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दीदी पूजा कर रही है। तो छत में भी दीदी पूजा कर ली है, और मैं यहाँ पर अब भगवान जी को चढ़ाने के लिए खीर बना रही हूँ, और मेरी दीदी है वो चूल्हा जला रही है। तो देखिए मैंने मेरा खीर बन ही चुका है, मैंने लास्ट में इसमें चीनी डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मिला हूँ, और खीर मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो मैं अब इसको पंडित जी को दे दूंगी। और इधर देखिए पूजा संपन्न हो जाने के बाद यहाँ पर आरती हो रही है, उसके बाद देखिए दीदी यहाँ पर फोटो क्लिक कराई, इसको गिफ्ट मिला है, उसके बाद हम लोग भी यहाँ बाहर में फोटो क्लिक करवा रहे हैं, चाची है, भाभी है और बहन है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।